नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक कोठी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड इसलिए क्योंकि हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं अपने से नहीं बनाते हैं, हम आपकी डिमांड पे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आज मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं खड़ा हूँ सनी इनक्लेव में, मोहाली में, सेक्टर 125 में। और जो मैं आज आपको कोठी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप भी पढ़ते होंगे उसमें नीचे लगातार आता है कि हमें आप कॉर्नर कोठी दिखा दीजिए, बेशक थोड़ा साइज़ कम हो, ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, कॉर्नर कोठी दिखाइए। तो आज मैं आपको जो कोठी दिखाने वाला हूँ ये कॉर्नर कोठी है और इसकी टू साइड एंट्रेंस है। पहले मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ, जो मेन एंट्रेंस है बाद में दिखाऊँगा। ये एक साइड एंट्रेंस है जहाँ से आपकी एंट्रेंस हो सकती है। और उसके बाद ये इसका एक बर्म एरिया है जो उन्होंने अंदर ही लिया है, और बहुत लंबा एक खुला सा एरिया आपको यहाँ गार्डनिंग के लिए जो है वो बहुत एक अच्छा एरिया मिल जाता है। आइए अब इसका आप एक बार एलिवेशन देख लीजिए, क्योंकि एलिवेशन जब आप सामने से देखेंगे तो आपको कोठी बहुत सुंदर और अच्छी लगने वाली है। इसका साइज़ है कोठी का 156 गज। जी हाँ, 156 गज की कोठी है। और डेफ़िनेटली आपको साइज़ देख के समझ आ जाएगा कि 156 गज की लग नहीं रही है, ज़्यादा रही है। और इसके फ्रंट की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी क्यों लग रही है, तो 27x52 का इसका जो है वो फ्रंट है। और एलिवेशन आपने देख लिया कितना सुंदर है, ठीक है जी। 2BHK नीचे हैं, 2BHK ऊपर हैं, 4BHK डुप्लेक्स है, 156 गज की कोठी है, टू साइड एंट्रेंस है, कॉर्नर कोठी है। आइए, और इस कोठी की बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे जैसे हम अंदर बढ़ेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये आप अंदर आ जाइए तो ये जो आगे गाड़ी आपके खड़े करने का एरिया है, यहाँ पे आप दो गाड़ियाँ बहुत आराम से वेरी इजीली खड़े कर सकते हो। एक गाड़ी आप इस साइड भी थोड़ी सी लगा सकते हो खड़ी करके, यानी कि तीन गाड़ियाँ अंदर आ जाएंगी। और फिर वही वो बर्म एरिया जो मैं बता रहा था, अब आप अंदर से अब देखेंगे इसको तो ये पूरा एक लंबा खुला एरिया आपकी गार्डनिंग के लिए, आपके बैठने के लिए। ये कॉर्नर कोठी का फ़ायदा होता है, तभी तो सभी लोग ढूंढते हैं कि मुझे यार कॉर्नर की कोठी दिला दो बस कहीं पे। एलिवेशन आपने देख लिया, वुडन टाइल्स, वुडन फील की जो टाइल्स हैं वो सारी लगी हुई हैं, वुडन लुक है उन टाइल्स की। और ये एरिया आपने देख लिया। आइए, ये डिज़ाइन आजकल जब हम एंट्रेंस में होते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ, ये आजकल एक ट्रेंड हो गया है एंट्रेंस पे ऐसा एक डिज़ाइन बनाना जिससे कि लुक एंड फील जो है एंट्रेंस पे बहुत अच्छी आ जाए। और ये जब हम एंटर हुए तो इस कोठी की एक थीम है, इसकी थीम है वुडन थीम। एंट्रेंस पे ही आपको एक बहुत अच्छा गेस्ट रूम दिया गया है और ये एज इट इज़ मिलने वाला है आपको। ये फ्लैट तो है नहीं कि सैम्पल फ्लैट है जी, दिखाया कुछ और मिलेगा कुछ और, एक एक होती है कोठी, हम बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। ये कॉर्नर कोठी है और ये देखिए आपको एज इट इज़ ये वॉलपेपर, ये पूरा वुडन फील, ये आपका गेस्ट रूम ऐसे मिलने वाला है। और ऊपर अगर आप नज़र मारेंगे फॉल सीलिंग पे, वो भी वुडन थीम के साथ है, ज़बरदस्त फॉल सीलिंग। और यहाँ अगर आप फॉल सीलिंग पे नज़र मारेंगे एंट्रेंस पे, तो किस तरह से सुंदर लाइट्स लगाई गई हैं, ये आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं। गेस्ट रूम के मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पे आपने बिठाना है, ये आपका हो गया डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप एक छोटा सा सोफ़ा भी लगा सकते हैं, सेटी टाइप डाइनिंग एरिया भी है ये आपका। और ये आपका टीवी पैनल है, मल्टीपल यूटिलिटी जो है वो टीवी आपको पैनल बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी स्टोरेज भी दी गई है। और साथ में ये वो जो एरिया मैं बाहर आपको बर्म वाला एरिया दिखा रहा था, विंडो से आपको वो दिख रहा है। कॉर्नर कोठी का यही बेनिफिट होता है कि आपको बाहर सड़क भी है वो एज इट इज़ कई कॉर्नर से दिखती रहती है, तो ये वो जगह है। अब ये देखिए, ये किचन एरिया है। किचन एरिया को किस तरह से दो जगह से डिवाइड किया गया है, एक ये विद वॉश बेसिन, विद मिरर और वुडन उससे आपको अलग किया गया है। और ये अलग एक स्टोरेज एरिया, ये भी वुडन का, और बीच में से ये किचन का रास्ता। और डेफिनेटली किचन मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ मिलने वाली है। एक ये लंबा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपका ये हॉब आ जाएगा, यहाँ आपकी चिमनी आ जाएगी, ये आपके सिंक लगे हैं बिल्कुल साउंडलेस, जो कहते हैं आजकल नए ट्रेंड चला है वो है मॉड्यूलर किचन है। ये एक अलग से एरिया दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस भी हैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जूसर, मिक्सर, माइक्रोवेव रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगेन एक मॉड्यूलर किचन आपको पूरी तरह से जो है वो बना के दी गई है।
ये इस किचन का थीम है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा डेफिनेटली। और एक चीज़ और, आइए मेरे साथ, वॉशिंग एरिया आपने देखा होगा हर बार कि वॉशिंग एरिया का रास्ता बेडरूम से होकर निकलता है, पर इन्होंने बड़ी स्मार्टली वॉशिंग एरिया का जो रास्ता है वो कनेक्ट किया है किचन के साथ। ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन आपने रखनी है या कुछ भी किचन से संबंधित कोई काम करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज़ ने यूज़ करना होता है वॉशरूम। आप अगर वॉशिंग एरिया है बेडरूम के साथ अटैच तो बार बार वही बात होती है कि आपने डिस्टर्ब होना है, कोई वहाँ से जा रहा आ रहा है, तो ये किचन के साथ अटैच है। ठीक है जी, आइए आपको अब मैं फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। ये फर्स्ट बेडरूम जो जिसका जो फर्स्ट लुक जो है विंडो है वो बाहर की तरफ है, और यहाँ से आप एक बहुत बड़ा विंडो विद ये लगाया गया है, ग्रिल जो लगाई गई है ताकि सेफ्टी भी रहे, कोई कांच तोड़ के अंदर ना आ जाए। ये वॉलपेपर आपको मिल रहा है, लाइटिंग एज इट इज़ मिल रही है, फॉल सीलिंग विद वुडन टच एंड लाइट्स आपको एज इट इज़ मिल रहा है, और ये वार्डरोब आपको एज इट इज़ मिल रहा है, ये टीवी पैनल आपको एज इट इज़ मिल रहा है। तो कुल मिला के फुली लोडेड रूम मैं इसे कहूँगा, एक बेड की तो कमी है, बस आपको लेके आना और आपका रूम जो है वो पूरी तरह तैयार है। ये ड्रेसिंग एरिया अगेन वेरी ब्यूटीफुल, एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया भी आपको मिल रहा है। आइए सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये सेकंड बेडरूम है, क्वाइट स्पेशियस और वुडन थीम है, तो हर तरफ आपको ऊपर देख लीजिए फॉल सीलिंग में तो नज़र आ ही जाएगा वुडन थीम, और ये जो इसका वॉलपेपर है इसमें भी आपको वुडन फील की जो झलक है क्योंकि गोल्डन है वो नज़र आएगी। उसके बाद बहुत बड़ा सा एक वार्डरोब एरिया आपको मिल रहा है, और उसके साथ एक ड्रेसिंग एरिया आपको मिल रहा है, टीवी पैनल आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ इन मैचिंग, सब कुछ वुड का बना हुआ, एक बहुत बड़ी विंडो, और ये अटैच वॉशरूम इसके साथ, और अगेन वही प्रीमियम टाइल्स, बड़ी वाली टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं, और अच्छी एक्सेसरीज के साथ एवरीथिंग फिटेड आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, अटैच वॉशरूम उस रूम के साथ भी था, इस रूम के साथ भी है। तो ये तो बात हो गई नीचे की, अब बात करते हैं ऊपर की। और अच्छी बात ये है कि स्टेयर्स बाहर से हैं, अगर आपने कहीं रेंट आउट करना हो या कोई अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, आजकल तो फ्लोर भी सेल आउट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ऊपर क्या बना है, ये भी दिलचस्प रहेगा देखना। 156 गज की कोठी को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि नीचे आपने देखा कितना एरिया था, और अब मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। अगेन मजबूत स्टील की ग्रिल्स, आपका वही एक शानो शौकत बढ़ाने के लिए ग्लास यहाँ पे आगे लगाया गया है, और एक ये बहुत खुला एरिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक झूला टांगना चाहें तो वो भी टांग सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगेन फॉल सीलिंग का वुड का काम यहाँ पे ऊपर बड़ा अच्छा किया गया है, और वुड थीम जो वुडन थीम कह रहे हैं उसको मेंटेन रखा गया है। यहाँ पे भी टाइल्स जो लगाई गई हैं बाहर एलिवेशन के लिए वो भी टाइल्स वुड लुक जो हैं वो टाइल्स हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा, इसे मैं कह सकता हूँ कि पूरी कोठी में एक मैचिंग चीज़ है, मिसमैच नहीं है कुछ भी, और ये एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे आप फुल फैमिली के साथ बैठ के वेदर इन्जॉय करें, सामने ग्रीनरी इन्जॉय करें, पूरा मज़ा आप ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और एंट्रेंस चलते हैं अंदर, आइए। तो ये अंदर एंटर करते ही अगेन बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट आपको नज़र आएगा, आप ये देखिए, ये अंदर एंटर करते ही आपका एक लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विद ब्यूटीफुल टीवी पैनल, और ऊपर आप छत पे भी नज़र डालें तो अगेन बहुत अच्छा वुडवर्क हुआ पड़ा है, और इसके सामने एक बहुत खुली सी किचन यहाँ भी आपको प्रोवाइड हो रही है, यानी कि फुल सेट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है। जो आपको नीचे दिखाया था किचन और लिविंग एरिया पूरा, वो एज इट इज़ है, मॉडुलर किचन है पूरी। एंड अगेन फर्स्ट बेडरूम बिल्कुल नीचे जैसा वॉलपेपर, वार्डरोब एरिया, ड्रेसिंग एरिया, टीवी पैनल्स, फॉल सीलिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड वॉशरूम में भी यहाँ पे आपको एक अटैच वॉशरूम यहाँ भी आपको मिल जाएगा, और ये एक बड़ा सा विंडो आपको बाहर देखने के लिए, जैसे नीचे था बिल्कुल वैसा ही एक विंडो यहाँ से भी आपको मिल जाता है। चलिए अब आपको फर्स्ट बेडरूम के बाद सेकंड बेडरूम पे भी नज़र डलवा देते हैं कि सेकंड बेडरूम कैसा लगता है। बिल्कुल नीचे जैसा ही सब कुछ रेप्लिकेट किया है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम लाइट, सेम वॉलपेपर, वार्डरोब, और ऊपर जो आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग विद वुडन टच, LED पैनल्स,
एक बहुत बड़ा विंडो ताकि आपको लाइट जो है वो आती रहे, और उसके बाद एक अटैच वॉशरूम अगेन विद डिफरेंट एक टाइल्स का जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है बहुत ही अलग है विद प्रीमियम फिटिंग्स, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और क्या अलग है, नीचे से एक ही चीज़ अलग है कि जैसे आपने देखा कि आगे बहुत एक बड़ा बरामदा छोड़ा हुआ था, ऐसे ही पीछे भी एक बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया और बरामदा यहाँ भी रखा गया है, यानी कि कुल मिला के ओपन स्पेस की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे नल भी लगा है, वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट भी दिया गया है, पूरा वॉशिंग एरिया यहाँ भी आपको मिल रहा है, एक बड़ा स्पेस यहाँ भी है, और ये स्टेयर्स ऊपर जाती हुई जहाँ पे आपका टैंक एरिया और ऊपर जो है अगर आप ऊपर भी बिल्डअप करना चाहते हैं तो विद परमिशंस कर सकते हैं, और ये कॉर्नर की कोठी है तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर ही है। आइए अब इसके प्राइस की बात करते हैं और कॉर्नर कोठी क्यों लेना चाहते हैं सारे, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, बंदा लाइफ टाइम में एक बार प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो उसको चाहिए होता है कि मुझे बेस्ट चाहिए। एक तो कॉर्नर कोठी में एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, वो जो बर्म मैंने आपको दिखाई, कॉर्नर कोठी में एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस होता है, एक अलग से कई एडवांटेजेस मिल जाते हैं, एलिवेशन बड़ा अच्छा लगता है, आपके एक साइड है ही नहीं कुछ भी, खाली जगह है, सारी सड़क आ जाती है। तो 156 गज की ये कोठी सेक्टर 125 सनी इनक्लेव, वेरी नियर टू निज्जर रोड, वेरी नियर टू गोपाल स्वीट्स, वेरी नियर टू एयरपोर्ट रोड, क्या इसकी प्राइस रखी गई है? देखिए, आप जानते हैं कि 200 फीट रोड बनने के बाद क्या प्राइजेज सनी इनक्लेव में चल रहे हैं, किस तरह से रेट सारे बढ़े हैं, तो कुल मिला के प्लॉट के रेट से बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 156 गज की कोठी है, इसका प्राइस पूरी ऐसे ही जो फर्निश्ड बनी हुई है इस वक्त सिर्फ 92 लाख कोट किया गया है, वो भी आस्किंग प्राइस है। जब आप टेबल पे बैठेंगे, नेगोशिएशंस होंगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा था, देखिए जब भी आप कुछ परचेज़ करने जाएँ ना तो आप कंपैरिजन ज़रूर करें। अगर आप एयरपोर्ट रोड पे गोपाल स्वीट से सीधा एयरपोर्ट रोड पे चले जाएँ तो उसमें जितने भी नामी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे 3+1 BHK जो है वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक बात कहीं ना कहीं पहुंचती है। उसके मुकाबले अगर आपको अपनी कोठी सनी इनक्लेव जैसी जगह पे मिल रही है और मात्र 92 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है, जो कि नेगोशिएशन के बाद थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो वाई नॉट, वो भी 4 BHK डुप्लेक्स, यानी कि अगर आप नीचे रहते हैं और ऊपर आप पूरा रेंट आउट करना चाहते हैं, या ऊपर रहते हैं नीचे रेंट आउट करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी आपकी शुरू हो जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत लोन भी लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आई थिंक गो फॉर दैट। फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पे चलता है, आप विज़िट कीजिए। आप भारत या वर्ल्ड के किसी भी शहर में हमें देख रहे हों, पंजाब इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, एक रिच स्टेट जहाँ पे हर बंदा चाहता है यार मेरा एक अपना आशियाना हो, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट आल्सो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके छोड़ दें और दोनों फ्लोर किराए पे दे दें तब भी आपकी एक अच्छी रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, और एप्रिसिएशन तो इस प्रॉपर्टी की हमेशा रहेगी क्योंकि ये एक कॉर्नर विला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रॉपर्टी अपडेट्स को इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब किस रूप में किसका भला कर दें, उसको उसकी प्रॉपर्टी दिलवा के, इसलिए वीडियो शेयर करें, हमें अपने प्यार कमेंट्स के रूप में देते रहें, कोशिश करेंगे आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए। आप कमेंट में बताते रहिए कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। अब जैसे किसी ने, मैंने आपको बताया ना, बोला था कि हमें कॉर्नर कोठी दीजिए, तो हमने ढूंढ के आपके लिए लेके आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, नई जगह, तब तक मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स। टिल देन, गुड बाय।